दोस्तों नमस्कार, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सहदेवी का पौधा दिखा रहा हूं और इसके फायदे के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए, यह बारिश के दिनों में अपने आप घास पतवार की तरह उग आता है। भारतवर्ष में हर जगह यह उत्पन्न होता है, हर जगह पैदा होता है। इसका फूल देखिए बैंगनी रंग का होता है। इसमें और भी तीन प्रकार के सहदेवी होते हैं, पीला सहदेवी, सफेद सहदेवी और ये जो मैं हाथ में लिया हूँ बैंगनी सहदेवी। तो दोस्तों पर बैंगनी सहदेवी मुझे मिला है और बाकी पीला और सफेद तो नहीं है। मैं आपको सहदेवी के बारे में पहचान बता रहा हूँ, आप ध्यान से पहचान लीजिए। इसके पत्ते जो है पुदीना के पत्ते या तुलसी के पत्तों से मिलता जुलता है, देख लीजिए, पहचान लीजिए। मैं आपको और नजदीकी से पत्ता भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पुदीने के पत्ती से मिलता जुलता पत्ती है या फिर माना जाए तो तुलसी के पत्तों से मिलता जुलता ये पत्ती है। इसे सहदेवी कहते हैं या बहुत तरह से ग्रह पीड़ा को हरने वाला, पूजा करने वाला सहदेवी है। अगर इसे अपने आंगन में घर के दरवाजे पर लगाया जाए और इसका रोज दर्शन किया जाए तो यह शुभ माना जाता है। लेकिन जिस तरह यह ग्रंथों में शुभ पौधा माना गया है उसी तरीके से इसके अंदर आयुर्वेदिक गुण भी बहुत सारा भरा हुआ है। तो दोस्तों मैं अब इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके उपयोग के बारे में बता रहा हूँ कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। अगर किसी को मलेरिया बुखार है, बड़ा आदमी है, व्यस्क है, तो वो करीबन 10 ग्राम सहदेवी के पत्ता में करीबन 7 काली मिर्च मिलाकर पीस ले और उसका काढ़ा बनाए, गिलास पानी में काढ़ा बनाए और जब चौथाई हिस्सा पानी जल जाए तो उस काढ़ा को आप पी ले तो मलेरिया बुखार उसका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर बच्चा कोई है बुखार से पीड़ित है तो मात्र उसे 3 ग्राम सहदेवी का पत्ते का चूरन या पाचक का चूरन, 1 ग्राम काली मिर्च मिलाकर उसे 50 ग्राम पानी में पकाए और पकने के बाद जब 10 ग्राम पानी बच जाए तो उसे उतार कर ठंडा करके उस बच्चे को पिलाया जाए तो बुखार उसका उतर जाएगा, बुखार शांत हो जाएगा और फिर दोबारा बुखार नहीं आएगा। दोस्तों अगर इसी तरीके से बच्चा थोड़ा बड़ा है, 8 से 10-12 साल का है, तो उसे 10 ग्राम सहदेवी के पत्ते तोड़कर 1 गिलास पानी में पकाए और करीबन 3 काली मिर्च डालकर पकाए और पकते पकते जब 4 गुना पानी जल जाए तो उससे उतार कर पानी को ठंडा करके, काढ़ा को ठंडा करके उस बच्चे को पिलाए तो उसका बुखार उतर जाएगा। इस तरह से 3 तरह का डोज मैंने आपको बताया है, तीनों अलग अलग उम्र के लिए है। और दोस्तों अगर आपको इस तरह से हरा सहदेवी का पौधा अगर नहीं मिलता है तो आप इसके पाचंग बनाकर रख सकते हैं। सहदेवी का पूरा जड़ उखाड़कर, जड़ से उखाड़कर इसे सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर, चूरन बनाकर आप इसे अपने पास रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग और भी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को पेशाब में जलन है, पेशाब में तकलीफ है, रुक रुक कर पेशाब होता है, किडनी में सूजन है, तो आप सहदेवी के पाचक 3 ग्राम और 2 काली मिर्च का 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाकर उसे भी पी सकते हैं। या फिर इसका स्वरस, हरे हरे पत्तों का रस करीबन 50 ml तक डायरेक्ट आप पानी के साथ पी सकते हैं। और दोस्तों अगर लीवर में सूजन है तो भी आप इसके फूलों का चूरन बनाकर, इसके पत्तों का रस बनाकर आप लीवर सूजन में पानी के साथ पी सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी को बवासीर है तो बवासीर में भी इसके पत्तों का स्वरस बनाकर, दही मिलाकर करीबन 10 ग्राम स्वरस निकाल कर पाव किलो दही में मिलाकर वह पी सकता है, जिससे बवासीर उसका 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बादी हो, ये दोनों बवासीर में सहदेवी का पत्ती का रस फायदा पहुंचाता है। और दोस्तों अगर किसी को दाद खाज खुजली है तो वह इसके पत्ते को तोड़कर पीसकर पेस्ट बनाकर दाद खाज खुजली में लगा दिया जाए तो उसका दाद खाज खुजली जड़ से ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इसका एक और उपाय है, अगर किसी को रात में नींद नहीं आ रहा है, रात भर नींद में सो नहीं पा रहा है, बेचैन है, परेशान है, टेंशन में है, तो इस सहदेवी का चूरन वो करीबन 0.5 ग्राम जीभ के नीचे रख कर सो जाए तो उसे गहरी नींद आएगी, वह रात भर चैन से सोएगा। तो दोस्तों इसके बारे में जितना भी बताया जाए कम लगता है,
अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।